जी, लेट अस स्टार्ट विद द बेटा टॉपिक कॉन्टिन्यूटी, है ना। चैप्टर जो है हमारा फिफ्थ है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक बेटा। तो उसमें से कॉन्टिन्यूटी टॉपिक हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। वैसे हम ऑलरेडी प्लस वन में आपको करवा चुके हैं, बट वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं हम कराते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी जो है बेटा, हम इसको प्रॉपरली डीपली दोबारा सारा जो है इसका डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक बेटा 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। हमने जो इस चैप्टर का सिर्फ अभी एक पार्ट स्टार्ट करने लगे, कॉन्टिन्यूटी। ओके बेटा, अब कॉन्टिन्यूटी अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हम कहते हैं जिसमें कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक। बट मैथमेटिकली हमने आगे भी आपको बताया हुआ है कि अगर हम किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो बेटा उसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, सपोज मैं ए पे चेक करना चाहती हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये हम तब प्रूव करते हैं जब लेफ्ट और राइट से लिमिट सेम ही आए, हमें कोई डिफरेंस नहीं दिया। अगर लेफ्ट ए के लेफ्ट पे फंक्शन कोई और दिया है, ए के राइट पे फंक्शन कोई और दिया है, तो तब अगर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए नेगेटिव, मतलब लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए हो जाए, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया प्रूफ, क्या हमने ये प्लस वन में कॉन्सेप्ट यूज किया है ना, हमने कॉन्टिन्यूटी को प्लस वन में ही आपको लिमिट्स के साथ टीच कर देते हैं। बट अब हम इसको प्रॉपरली और अच्छे लेवल से हम क्लियर करेंगे कि कैसे होता है। पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ इसके रिलेटेड। मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल आपको लेके करते हैं हम लोग। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया एफ ऑफ एक्स का, एक फंक्शन मैंने लिया, मेरे पास जो है वन है, फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और टू है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका ग्राफ ड्रॉ अगर हम करें, है ना, सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ, तो क्लियर कट ये देखिए, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई, वाई डैश, ये जीरो। एक्स से एक्स की वैल्यू अगर जीरो से कम ले या जीरो भी ले तो मेरे पास हमेशा इसका आंसर वन ही आएगा। जीरो से कम मतलब क्या, मैं माइनस वन ले लूं, मैं माइनस टू ले लूं, मैं माइनस थ्री ले लूं, या मैं जीरो ले लूं, फंक्शन का आंसर तो मेरे पास वन ही आना है, मतलब ऐसे ग्राफ आएगा। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी मतलब मैं वन ले लूं, टू ले लूं, थ्री ले लूं, फोर ले लूं, 2.5 ले लूं, तो मेरा आंसर टू आएगा, जीरो पे टू नहीं आएगा, जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, मतलब 0.5, 0.2, 0.1। इसीलिए देखो यहां मैंने इसको डार्क किया है, यहां ये अंदर से एम्प्टी। हाँ बेटा देखो, अगर इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ करना है, मैंने ये तो वैल्यूज लेके ड्रॉ किया, अगर मैं इस पे ड्रॉ करना शुरू, सपोज मैं लेफ्ट से चलू, मैंने ड्रॉ किया यहां तक आया, अब आगे यहां पर जाने के लिए मुझे अपने चौक को लिफ्ट अप करना पड़ा, यानी एक ब्रेकेज आ गई ना यहां पर, हैव टू लिफ्ट अप, मुझे छोड़ के यहां पर जाना पड़ा और फिर ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ा। जब भी ग्राफिकली अगर मैं बात करूं, इफ आई हैव टू लिफ्ट अप माय पेन इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ, तो बेटा वो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। आप यहीं पे देख लीजिए, यहां ब्रेकेज है, हाफ ग्राफ इधर है, हाफ ग्राफ इधर, कॉन्टिन्यूटी में तो नहीं है ना। अगर एक यही मेरे पास पोज
एक फंक्शन होता ना एफ ऑफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ ऐसे बनना था। देखो क्या मुझे अपने चौक को उठाना पड़ा कहीं पे भी नहीं। आई नीड नॉट टू बी लिफ्ट अप माई चौक वाइल ड्रॉइंग दिस ग्राफ। दैट मीन 100% ये ग्राफ, 100% ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, ये हमारा मीनिंग था। और वैसे भी मैं आपको सिंपल कहूं कि अगर हम ड्रॉ ग्राफ को ड्रॉ करें और कोई ब्रेकेज ना हो, यहाँ कोई ब्रेकेज नहीं, यहाँ ब्रेकेज गए, तो वो अगर ब्रेकेज गए तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूज होगा। किस पॉइंट पे, जहां से वो ब्रेकेज हुई, यहाँ जीरो पे हुई तो जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूज। अगर मैं वन से छोटी वैल्यूज कोई भी देखू वहां वो कॉन्टिन्यूज है, वन से बड़ी वैल्यूज देखू वहां वो कॉन्टिन्यूज है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूज है, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर। ओके बेटा, ये ग्राफिकली और मैंने आपको जनरली बताया। अब हमने जो क्वेश्चंस करने हैं है ना, उसके लिए हम वही वाली डेफिनेशन यूज करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई कि हम प्लस वन में क्या यूज करते हैं। मैंने आपको क्लियर कट कहा कि फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अभी हम पहला केस कर रहे हैं जहां एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, हमने प्लस वन में पॉइंट्स वाले किए, मतलब हमने कॉन्टिन्यूस चेक करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 100% लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये डेफिनेशन तब यूज होती है जब लेफ्ट और राइट से फंक्शन चेंज नहीं होता। और नॉर्मली कैसे पता चलता है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऐसे सपोज कि वन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जब x जीरो के इक्वल नहीं है, यहाँ पर सपोज x, then x is equal to zero, ऐसा कुछ है ना, नॉट इक्वल टू ऐसा वाला केसेस हो तो हम नॉर्मली ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं। लेकिन और हम ये भी यूज करते हैं जब लेफ्ट और राइट से फंक्शन ही, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल होती है, यानी ये चीज यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा था ये वाली कब, जब आपका 100% जो है यहाँ लेस देन ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे कुछ। ओके बेटा क्लियर, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूज होते ही है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस कर्व वो कॉन्टिन्यूज होती है। अभी हम कॉन्टिन्यूटी का कर रहे हैं, बाद में डिफरेंशियबिलिटी करेंगे, फिर बाद में दोनों में रिलेशंस भी देखेंगे कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक में, तभी आपको क्लियर होगा। लेट अस डू एग्जांपल फर्स्ट। क्लियर कट लिखा है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, जो है एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा आपके पेज 149 पे दिया। This is your function, और मुझे continuity का point भी दिया है। अगर continuity का point नहीं दिया तो ऐसे questions हम दूसरे method से, मतलब topic definition यही use होनी है, but उसमें cases बने। तो सबसे पहले point दिया है तो हमें कोई tension नहीं। देखो function एक ही दिया है, one से left या right पे कोई हमें case नहीं दिया हुआ, तो हम कौन सी definition लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, for f of x to be continuous किस पॉइंट पे, at x is equal to 1 पे। आप लिखोगे लिमिट x approaches 1 f of x जो है वो f of 1 के इक्वल होगी, क्योंकि a मेरा 1 हो गया ना, 1 पे चेक करनी है मैंने कॉन्टिन्यूटी। ओके, तो अब लिमिट x approaches 1 फंक्शन कौन सा आएगा, यही वाला That is 2x plus 3. अब f of 1 वो भी यही से कैलकुलेट करेंगे बेटा। f of 1 मतलब x की जगह पे 1,
अब ये तो आपका 5 आ गया इधर वाला, अब आप मुझे बताओ ये लिमिट कैसे चेक करते। अब लिमिट का प्लस वन का कौन कौन, लिमिट चेक करने का सबसे पहला रूल क्या होता है कि डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखो। जब आप पुट करके देखो अगर वो नॉट डिफाइंड आ रही है तो सॉल्व हो गई, अगर वो जो है नॉट डिफाइंड आ रही है सॉरी, तो आप आगे रूल्स देखते हो, रैशनलाइज करना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना या क्या। अगर नॉट डिफाइंड नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली पुट करते हो। जब पुट किया आपने यहाँ पर 2 + 3 हुआ, ये देखिए 5 = 5, तो आप क्या कहोगे विच इज ट्रू, आप मेंशन करोगे कि दिस इज ट्रू। ओके, ये नहीं, दो मेथड हो सकते हैं, एक या तो आप पहले ये अलग कैलकुलेट करो, ये अलग कैलकुलेट करो कि बाद में कहो कि ये इक्वल है। अगर आप पहले ही इक्वल लेके जा रहे हो तो एंड में लिखना बहुत जरूरी है विच इज ट्रू। ओके बेटा, प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। चलो ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि चैप्टर सब्जेक्टिव वाले टाइप में आना कि ऑब्जेक्टिव वाले में। ओके, तो एनी डाउट अप टू दिस लेवल, किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ पर, तो आप लिखोगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 अगर हम देखें सेम पेज पे, उसने कहा एग्जामिन वेदर एफ ऑफ एक्स मेरे पास हो गए दैट इज गिवन टू यू इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने ग्राफिकली भी ये आपको बना के दिखाया था। अब यहां पर अगर हम सिंपल वैसे देखें तो बेटा क्लियर कट एक्स इज इक्वल टू 2, कोई मेरे पास लेस देन ग्रेटर देन कोई केस नहीं है। तो सिंपल फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एक्स, ये तो डेफिनेशन के थ्रू आया ना मेरे पास, इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ 0, जब एफ ऑफ 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, ये साइड हो गई। अब इसको सॉल्व करना है, हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 0 व्हिच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, क्लियर, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए मेरे पास थर्ड एग्जांपल जिसमें क्या दिया हुआ है, मेरे पास सारे सेम सेम है और इतने इजी हैं है ना कि जस्ट वो लगता है कि दोनों साइड में सेम सेम हम लिख रहे हैं। तो लेट अस डू एग्जांपल थर्ड। अब एग्जांपल थर्ड में डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए, मॉड एक्स आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स आपको पता है कि फंक्शन वैल्यू वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिखूं तो मुझे पता है मॉड एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्स मॉड एक्स जो है वो एक्स ही हो जाता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, होता है ना, आप इक्वल टू इसके साथ भी लगा सकते, और ये माइनस एक्स हो जाता है इफ एक्स इज लेस देन 0। अब क्लियर कट लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ गया तो यहाँ अकेली लिमिट नहीं चलेगी, तो इसमें कौन सी डेफिनेशन चलेगी। हाँ जी राघव, राघव अनम्यूट योर सेल्फ, राघव ठाकुर अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, राघव अनम्यूट योर सेल्फ, मैं आपको क्लियर कट बोल रही हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपका नेम जा रही है और डिजिटल प्रूफ है हमारे पास। नाउ इट इज अप टू यू, यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम द टीचर और नॉट। अपूर्व, अपूर्व, हाँ जी अपूर्व, आप मुझे बताइए बेटा कि अगर लेफ्ट और राइट का केस है तो हम कौन सी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करते हैं। में x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन एक्स
should be equal to limit x tends to a for, when a is a closed by quadratic side function x, and it should be equal to function at x. Okay, your voice is not clear. जितना का मुझे लगा कि आपने लेफ्ट राइट और एफ ऑफ जीरो के रिलेटेड जो है बोला है बेटा, तो मेरे पास जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो आना चाहिए, मैं रिपीट कर देती हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, क्योंकि जीरो पे हम चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो. क्यों लिया? क्योंकि जीरो के लेफ्ट पे फंक्शन ये है, जीरो के राइट पे फंक्शन ये, दोनों पे वो वेरी कर रहे है ना. तो आप लिखोगे यहाँ पर स्टार्टिंग ही ऐसे करोगे, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यू. बेटा जब वन नंबर का होगा मीन्स एमसीक्यू टाइप होगा, उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं, उसमें तो क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट करना. बट अगर सब्जेक्टिव टाइप में ये चैप्टर इंक्लूड होता है तो हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी पता होगा. ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए आगे सॉल्व करने लगेंगे. अब इसको अब लेफ्ट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का मतलब मेरे पास जीरो से कम वाली वैल्यू, मतलब लेस देन वाली, तो लेस देन वाली पे ये है ना, यानी ये फंक्शन की वैल्यू आएगी यहां जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो से बड़ी, यानी ये फंक्शन आएगी. तो दैट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है बस, माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव एक्स. अब एफ ऑफ जीरो, हाँ जी, एफ ऑफ जीरो के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे? कनुबा, कनुबा बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. कनुबा एफ ऑफ जीरो कैसे कैलकुलेट करें बेटा? एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही आएगा. बिल्कुल सही बेटा, एफ ऑफ जीरो जीरो कैसे आया, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं तो आंसर जीरो ही आ रहा है. गुड कनुबा बेटा, तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे. अब इसको सॉल्व करें, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं, ये माइनस जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सिर्फ फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं इसको. तो जब मैं पुट करूंगी बेटा तो यहां पर माइनस जीरो, यहां पर जीरो जीरो, दिस इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो विच इज ट्रू. मैं बार बार कह रही हूं ये लिखना जरूरी है. मान लीजिए किसी एक क्वेश्चन में यहाँ वन आ जाता, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, एक वन आ गया बाकी दो जीरो आ गए, आपको विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस. नॉट कॉन्टिन्यूस मीन्स डिसकॉन्टिन्यूस भी आप कह सकते. ओके जी, तो विच इज ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस जो है एट x is equal to zero. Okay, beta? Clear to everyone? कोई doubt यहां तक? Next question करें example, आपको और clarity होगी कि हमने कैसे करना है. Show that example fourth है हमारे पास कि show that f of x is not continuous. जो है यहां पर clear cut उसने कहा है कि वो जीरो पे कॉन्टिन्यूज नहीं है, ये शो कीजिए, है ना. तो मेरे पास हो गए बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस थ्री वन इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो. हाँ जी, बता सकते हैं कोई कैसे हम कर सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड टू टेल मी. हाँ जी, हंसिका अनम्यूट योर सेल्फ. हंसिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. हंसिका दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट, अनम्यूट योर सेल्फ बेटा.
हाँ जी नेक्स्ट हरनूर सिंह, हरनूर सिंह यस मैम। हाँ जी बेटा हंसिका भी चलिए हरनूर आप बताइए बेटा, अगर मुझे चेक करना है, क्वेश्चन ये ना होता कि शो दैट द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, अगर मैं कहती चेक करो, आप कैसे करते? हरनूर अपने आप को अनम्यूट ही रखिए बेटा। यस सर। आप कैसे स्टार्ट करते बेटा? हाँ जी हरनूर जल्दी बोलिए बेटा। यस मैम पहले एक एक्स इक्वल टू जीरो के बाद हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, एक सेकंड बेटा, हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या की है ये बताइए मुझे। हरनूर कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में भी बताई, हमने तीन एग्जांपल्स की हैं बेटा उसमें भी यूज किए। यस ओके कोई बात नहीं। लक्षित आप बताइए बेटा, लक्षित शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी लक्षित लक्षित स्पीक समथिंग से यस और नो। ओके एनीबडी फ्रॉम यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड। ओके सुखमन वेरी गुड सुखमन यस बेटा सुखमन बताइए बेटा। मैम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस थ्री में वन की वैल्यू पुट कर देंगे। ये बेटा पहले डेफिनेशन तो बताइए ना क्लियर कट। आप लिमिट वर्ड नहीं बोल रहे हो सुखमन, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए जीरो, जीरो पे चेक करनी है। आपने बोला बिल्कुल सही है, यू आर सेइंग 100% करेक्ट, बट लिमिट वर्ड आगे बोलिए लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, क्योंकि जीरो पे कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि यहाँ कोई ग्रेटर देन लेस देन वाली बात नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ। मीन्स कोई लेफ्ट और राइट लिमिट यूज नहीं कर रही, डायरेक्ट लिमिट है ना। तो अब लिमिट बाकी सुखमन ने बिल्कुल करेक्ट बताया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैम एक्स क्यू प्लस थ्री ले लीजिए। अब देखिए यहाँ एफ ऑफ जीरो तो वन है, अब मैं यहाँ पुट करूं लिमिट सॉल्व करूं, क्या ये ट्रू है? नहीं ट्रू ना। आप लिखोगे यहां पर फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये बराबर होना चाहिए, बट ये ट्रू है ही नहीं, विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर आप पहले ये लिख के लेफ्ट लिमिट ये मतलब लेफ्ट साइड अलग कैलकुलेट कर दो, राइट साइड अलग कैलकुलेट कर दो, और बाद में कह दो लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तब भी बिल्कुल सही है बेटा। ओके बेटा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको बात क्लियर हुई? किसी के मन पे एनी क्वेश्चन एनी डाउट कम्स इन योर माइंड यू कैन आस्क मी बेटा। चले बेटा आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है That is example number fifth. मैं अगर आपसे पूछूं कि check the points where the constant function जो है is continuous. अब देखना बेटा यहाँ पर, अब उन्होंने ना हमें points calculate करने को कहा है, हमें point दिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने आगे भी आपको बताया constant function, polynomial function, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एंड कॉस, ये सारे जो है कॉन्टिन्यूस कर्व ही होते हैं। ओके
तो इसीलिए कॉन्टिन्यूस होता है इन इट्स डोमेन। तो अब उन्होंने मुझे जो है चेक करने को कहा है कि जिसपे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो 100%। आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आप वन पे चेक करोगे एफ ऑफ वन भी के आएगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस वन करोगे तो वो भी के आएगा। तो 100% बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा हम जनरली क्या करते हैं, हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं सी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो आप लेते हो कि लेट सी बी एनी रियल नंबर इन द डोमेन, दिस इज द वे हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट। तो बेटा तब आप क्या करोगे, लिमिट फिर वही फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब बेटा देखिए यहां पर जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स करोगे, हाँ जी मेरे पास प्रबलोर वैल्यूज बताइए बेटा मुझे, प्रबलोर यस मैम, हाँ जी मैम एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, ओके एफ ऑफ सी इज बिल्कुल सही बेटा, एफ ऑफ सी जो है वो के इक्वल है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वो भी के है, हाँ जी। तो इसको अब यहाँ बच्चों को समझ नहीं आता, जब यहाँ एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो वही फंक्शन ही होता है इटसेल्फ, तो दैट मींस कि मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया के इज इक्वल टू के, तो विच इज कॉन्टिन्यूस at every point in its domain, और आपको पता है कि constant function की domain all real होती है, मतलब ये हर किसी पे क्या है, ये continuous, okay बेटा clear, सबको बात समझ आई। तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर clear कर दिया गया है कि चेक करना था कि किस पे ये कॉन्टिन्यूस है, आपने कहना ऑल रियल, तो यहाँ से वन नंबर का क्वेश्चन भी कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा जो है क्या होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके बेटा। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा, प्रूफ दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पर उन्होंने मुझे दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स given by f of x is equal to x, बेटा अब यहाँ पर अगर f of x is equal to x ना भी दिया हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि identity function means f of x is equal to x। तो यहाँ पर बेटा उसने कहा है is continuous at every real number, same question है, बस यहाँ पर x आएगा जब आप लिखोगे कि same कि सी बी एनी रियल नंबर इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है रियल नंबर हमें दिया हुआ है, फॉर कॉन्टिन्यूस यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ सी क्या बन जाएगा सी बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर भी सी सी, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है हर पॉइंट, ओके बेटा, चाहे वो जीरो है चाहे नेगेटिव है चाहे फ्रैक्शन नंबर है जैसा भी नंबर, क्योंकि रियल आ गया रैशनल इरैशनल वो दोनों अपने आप आ गए बीच, तो उन पे भी वो कॉन्टिन्यूस ही, ओके बेटा। ये मतलब देखा जाए तो एग्जांपल सिक्स जो है सेम उसी के साथ हमारा, क्लियर बेटा। नाउ कम टू मेरे पास जो है नेक्स्ट डेफिनेशन टू इन द बुक, बेटा मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन इकट्ठी ही बता दिया है, आई एम डूइंग नाउ एग्जांपल नंबर सेवन सेम, क्योंकि दोनों टॉपिक्स जो है सेम कॉन्सेप्ट ही है, सिर्फ एक में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेनी है और एक में कोई लिमिट
लेफ्ट राइट अलग अलग लेना नहीं लेना, उसको डायरेक्टली कंसिडर करना है. तो क्योंकि दोनों साइड्स पे अप्रोच करने के लिए सेम वैल्यू सेम ही आ रही है, तो दैट्स व्हाई. तो अब बेटा मेरे पास जो है एग्जाम्पल सेवेंथ में करवाने लगी हूं. इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूस. अब बेटा ध्यान से देखना, अब मेरे से पूछा गया क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, यहां पर कोई पॉइंट नहीं दिया. तो ऐसे में बेटा हमें क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए जहां ये फंक्शन वैल्यू चेंज करता है. अगर आपको ग्राफ भी पता हो तो इसका वी बनता है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट माना गया. मुझे पता है कि जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये अपनी नेचर चेंज करता है. तो क्योंकि मैं अगर इस फंक्शन को लिखूं तो मेरे पास ये एक्स एक्स जो है क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स देन एक्स लेस देन इक्वल टू, यही होता है ना. अब इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे, टाइम ओवर हो गया है. वी विल कंटिन्यू विद दिस सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन एंड इसी पर बेस्ड आके सारा टॉपिक है जैसा क्वेश्चन ये. ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क.